बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मीडिया लिंक और कमेंट सेक्शन को पढ़ा था, जो कि इंसर्ट मेन्यू के सब मेन्यूज हैं। आज हम हेडर और फुटर के बारे में पढ़ेंगे। हेडर और फुटर जो है वो एमएस वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है और बहुत आसान भी है। अभी आपके सामने इंशाल्लाह हेडर और फुटर तैयार किया जाएगा और इनको ये इस्तेमाल करना नहीं आता वो बड़ी आसानी से इसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों में से जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। और इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, या एमएस वर्ड का जो पूरा हमारा कोर्स चल रहा है इसको अगर आपने शुरू से देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछली तमाम वीडियोज के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से इजिली क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हमने हेडर और फुटर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम हेडर पे जाएंगे। यहाँ पर आपको प्री फॉर्मेटेड कुछ हेडर्स दिए होंगे, यानी पहले से कुछ तैयारशुदा हेडर्स भी दिए होते हैं। ये हमारे पास ब्लैंक हेडर है। फिर यहाँ पर तीन तरह के, आपने अगर यहाँ पर कुछ लिखना है तीन जगहों पर तो उसके लिए ये हेडर दिया हुआ है, थ्री कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये हेडर है, फिर एक ये हेडर है, और ये मुख्तलिफ किस्म के हेडर जो है वो आपको दिए हुए हैं। आपने इनमें से जिस हेडर को इस्तेमाल करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने खुद से कोई हेडर बनाना है तो आप उसको भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसलन मैं यहाँ पे ब्लैंक हेडर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ब्लैंक हेडर आ गया और मैं यहाँ पर अलाइट सॉल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज लिखता हूँ। जी, मैंने यहाँ पे अलाइट सॉल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज लिख लिया। अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है, तो इसका जो हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने होम के फाउंड के बारे में पढ़ा था, ये हमने उसके अंदर ये सारी सेटिंग करनी सीखी थी, तो हम उसी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा इसकी सेटिंग करते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ इसकी अलाइनमेंट के लिए। साइज इसका थोड़ा बड़ा कर दूंगा, और फिर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, मसलन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आ जाए, उसकी क्लास लिखी हुई आ जाए, उसका रोल नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स पे आऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना, और सबसे पहला जो बॉक्स है उस पर आपने क्लिक कर देना, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट ऑप्शन आएगी। लेआउट ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, इसको अबव द टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। फिर हमने टेक्स्ट के ऊपर लाने का ये फायदा होता है कि हम इसको जहां पर मर्जी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसका साइज छोटा कर देंगे। साइज छोटा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखेंगे। स्टूडेंट नेम लिख के आगे जो डैश दी होती है हम उस हिसाब से इसको डैश देंगे। दो तरह से आप, एक तो डॉट्स डाल के भी इसको डैश दे सकते हैं, और इसके अलावा आप जो ये बैक स्पेस के साथ प्लस का साइन होता है, फिर उसके बाद माइनस का साइन, या जीरो के साथ माइनस का साइन होता है, आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और उस बटन को क्लिक करते जाएंगे तो ये डैश आपके पास आती जाएगी। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट इसका रोल नंबर शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद आप डैश देंगे, डैश प्रेस करते हैं। फिर इसी तरह आप उसकी क्लास जो है वो लिखना चाहते हैं, पहले क्लास होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। एक चीज इनमें रखिएगा कि हम हेडर के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके जितने भी पेजेस हैं, अगर ये 200 पेजेस हैं तो 200 के 200 पेजेस के ऊपर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगो लगा दें, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का, अपनी अकेडमी का, अपने स्कूल का, आपका जो भी इदारा है, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिख दें, या अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, फिजिक्स की बुक लिख रहे हैं, केमिस्ट्री की बुक लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हैं, आप वहां पे वो बुक का नाम लिख सकते हैं, नोट्स का नाम लिख सकते हैं, राइटर का नाम इसके साथ लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। वो फिर ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर चले जाएगा, आपको हर पेज के ऊपर अलग अलग बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा एक ही काम, ये ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर चले जाएगा, हेडर का ये फायदा होगा। अब मैंने ये हेडर के ऊपर ये लिख लिया, फिर मैं अब इसको यहाँ पर एक पिक्चर भी आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैं ये करूंगा, इंसर्ट में जाके पिक्चर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से फर्ज करें जी हमारा ये लोगो फर्ज कर लेते हैं, यही इसी को लेते हैं, ये लोगो इंसर्ट किया तो ये पिक्चर आ गई। इसका साइज हम छोटा करेंगे क्योंकि लोगो जो है वो छोटे साइज का होता है, और हम इसको भी यहाँ से अबव द टेक्स्ट कर लेंगे,
ताकि हम आसानी से इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकें। फर्ज कर लें जी ये हमारा जो है वो तैयार हो गया, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका जो दरमियान में है डिस्टेंस है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, फिर फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मैं इसको जो है यहाँ पर डिजाइन पे आके क्लोज करूंगा तो ये हमारा हेडर तैयार हो गया। अगर मैं नीचे पेजेस के ऊपर जाता हूँ तो ये देखें अगले पेज के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आ गया, उससे अगले पेज के ऊपर जाएंगे वहां पर भी ऑटोमेटिकली है, और अगर मैं एंड वाले पेज तक जाता हूं तो आपके सामने हम जितने भी पेज क्रॉस करके आए हैं सबके ऊपर ये मौजूद है। तो हेडर का ये फायदा होता है कि आपको सिर्फ एक पेज के ऊपर ये काम करना पड़ता है। आप ये पिक्चर या ये जो यहाँ पे आपने देनी, जिस तरह ये मैंने एडोब फोटोशॉप लेक्चर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रब, इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लगा दें। मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ एडोब फोटोशॉप का, तो मैं क्या करूंगा ये पिक्चर यहाँ पे इस तरह की बनाऊंगा, इस साइज की बनाऊंगा कि वो हेडर में फिट आ जाए, और मैं जब उसको यहाँ पे लगाऊंगा तो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये आ रही होगी। अभी जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो ये धुंधली शो हो रही है, इसके कलर जो है वो इतने वाजिया नहीं है, लेकिन जब आप इसके प्रिंट निकालेंगे या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सेव एज पीडीएफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कलर और ये सारा कुछ इसका वापस आ जाएगा। ये इस वजह से अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये डिम हुआ हुआ है, क्योंकि हम इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा हेडर के ऊपर, अब ये तब्दील किया जा सकता है, इसके अंदर एडिटिंग की जा सकती है। अब नीचे टेक्स्ट के अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकते, अब इसका फंक्शन ऑन है हेडर का। जितनी देर तक मैं इसको यहाँ से क्लोज नहीं करूंगा या नीचे डबल क्लिक नहीं करूंगा, उतनी देर तक नीचे वाले टेक्स्ट के अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। हेडर के अंदर ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये office.com जो वेबसाइट है इनकी, यहाँ से भी आप हेडर और मजीद देख सकते हैं। हेडर को आपने एडिट करना है, मसलन आपने हेडर के ऊपर नहीं क्लिक किया हुआ, आप यहाँ पे आएंगे, हेडर के ऊपर आके आप पहले से हेडर आपने सेट किया हुआ उसको एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है। ये हेडर को आपने खत्म करना है तो जस्ट रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस के ऊपर जो आपने हेडर लगाया था, हेडर तो आपने एक ही पेज पे लगाया था और वो सारे पेजेस पे शो हो रहा था, वो सारी जगहों से गायब हो जाएगा। मैं फिर दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको वापस ला सकता हूँ, या मैं फिर कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो वो जो इसके अंदर सेटिंग थी वो आ जाएगी वापस। मैं अगर यहाँ से हेडर को रिमूव करता हूँ और जो इसके अंदर पहले से कुछ मौजूद है हेडर्स उनमें से कोई लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ये हेडर आ जाएगा, ऑथर का नाम और डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा। आप इसकी अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट का नाम केमिस्ट्री, बुक ऑफ केमिस्ट्री, या नोट्स ऑफ फिजिक्स, या नोट्स ऑफ कंप्यूटर, या किसी चैप्टर का नाम लिखना है वो आप चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपने करना है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लोगो कैसे लेके आना है, पिक्चर कैसे लेके आनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अगली ऑप्शन आती है फुटर। फुटर के अंदर क्या होता है, इसमें भी आप उसी तरह 3 कॉलम है जिनको आप एडिट कर सकते हैं। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब फुटर ये पेज के नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर इसका मार्जिन पहले से छोड़ दिया गया होता है तो आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। मसलन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, 20 साल हो गए मेरे अदारे को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, और ये जो कंप्यूटर कॉलेज है ये प्रोजेक्ट है द्वागुपुर एजुकेशन का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफ द्वागुप ऑफ एजुकेशन लिख दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो है वो नंबर दे देता हूँ। तो इस तरह करके आप यहाँ पर फुटर को यूज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये बोल्ड कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करना है ना करें, दरमियान वाले को सिर्फ करना है आपने जस्ट, तो मिडल वाले को सिलेक्ट करें आप, और यहाँ से इसका कलर आपने चेंज करना है, जो कुछ भी करना है आपके पास वैरायटी है बहुत ज़्यादा, सब कुछ मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको समझा चुका हूँ, तो आपने वहाँ से जाके देख लेना है कि इसकी कैसे हमने फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये हर पेज के फुटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि इसका हेडर और फुटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नोट्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, या कोई पेपर वगैरह बनाते हैं इंस्टीट्यूट के, तो उसके लिए वो हेडर और फुटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेज नंबरिंग है। फुटर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पेज नंबर आता है, हेडर के अंदर भी था पेज नंबर, फुटर के अंदर भी पेज नंबर है, तो आप यहाँ से इनको पेज नंबरिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनको अगर आपने यूज करना है तो इनको यूज कर लें, ओड पेजेस के हिसाब से भी है, इवन पेजेस के हिसाब से भी है, इवन पेजेस पे इस तरफ होगा और ओड पेजेस पे इस तरफ नंबरिंग होगी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वरना आपने अगर खुद से नंबर लगाने हैं तो ये टॉप ऑफ द पेज
लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि किस तरह का आए, पेज नंबरिंग आए या बॉटम ऑफ द पेज किस तरह का आए, ठीक है, और पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए, पेज के मार्जिन में नंबरिंग आ जाए, करंट पोजिशन जहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वहाँ पे आप पेज नंबर, मसलन आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप कह दें यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाए तो वहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मेट खुद से करना चाहते हैं कर दें, अगर आपने नंबरिंग को डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पर उसका जवाब दे दिया जाए। अगर जवाब मुख्तसर ना हुआ तो उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी खास तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।